को लेकर उनके ऊपर मामला बन रहा है, बल्कि ऐसे भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है, बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है, बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी कहलाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अपने FIR में रिया चक्रवर्ती को ही मुख्य आरोपी बनाया था। CBI जांच कर रही थी, ED पूछताछ कर रही थी, लेकिन ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद NCB की एंट्री हुई। NCB ने पूछताछ की और लगातार 3 दिन तक लगभग 20 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद आज रिया चक्रवर्ती इस मामले में गिरफ्तार हो रही है। और सुशांत सिंह राजपूत केस में यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी अब तक की। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मुनीश, आप, अरविंद, जिसके पास भी कंफर्मेशन है हमारे दर्शकों को बताएं। रिया की गिरफ्तारी का बस ऐलान एक तरह से बाकी है, गिरफ्तार हो चुकी है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस में। फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कुछ देर बाद ऐलान होगा, बस कुछ मिनटों के बाद ऐलान होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आप दफ्तर देख पा रही हैं और यहीं से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वो रिया चक्रवर्ती को मेडिकल एग्जामिंग के लिए ले जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र है उन्होंने हमें बताया है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमें जानकारी अभी अभी जो हमारे सूत्र है उन्होंने हमें अभी बताया है। औपचारिक ऐलान बस कुछ मिनटों के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं, वो हमें बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, रिया चक्रवर्ती को फाइनली गिरफ्तार कर लिया है ऐसा हमारे सूत्रों ने हमें बताया। और ये देखिए जो ऊपर की तरफ सामने की तरफ आप खिड़की देख पा रही होंगे ना, इसी खिड़की में वो जो बिल्डिंग है उसी में रिया चक्रवर्ती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी सुबह से ही पूछताछ कर रहे थे, SIT की टीम पूछताछ कर रही थी, लेकिन हमें अभी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल एग्जामिंग के लिए ले जाएगा तकरीबन 4:30 बजे। हालांकि 4:30 बजे का हमें हमारे सोर्स ने हमें वक्त बताया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी भी वक्त 4:30 बजे के पहले भी बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती को बाहर निकाला जा सके और उसके बाद मेडिकल एग्जामिंग के लिए ले जाया जाए। तो ये कुल मिलाकर आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, बस औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है। जी अंजना, बिल्कुल मुनीश, औपचारिक ऐलान बाकी, लेकिन सबसे बड़ी गिरफ्तारी ड्रग्स के मामले में ही सही, रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई थी। यहां से कड़ियां जुड़ेंगी वो सब बात की तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। मुनीश, अंजना, देखिए कड़ियां पहले से ही जुड़ी हुई हैं और जो एफआईआर हुई थी एनसीबी की तरफ से वो पटना पुलिस की FIR जो CBI जांच कर रही है सुशांत की मौत की उसी FIR पर हुई थी। तो कहीं ना कहीं कड़ियां जरूर जुड़ी हुई हैं इसमें, भले से ड्रग्स के मामले में है और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, आरोपी नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। और साथ ही आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, हलचल यहां पर काफी बढ़ चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान रह गया है। बताया जा रहा है कि 4:15 बजे के आसपास कोई अधिकारी आ सकते हैं नीचे NCB के और उसके बाद ये ऐलान मीडिया के सामने करेंगे कि इस मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी इसमें अहम बात है अंजना, जैसा आप कह रही थी, देखिए सुशांत की मौत की कड़ियां ड्रग्स के कनेक्शन को लेकर भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उसी की जांच के दौरान ये ड्रग्स की बातें सामने आई थी। परिवार ने इस तरह के आरोप लगाए हुए थे कि ड्रग्स जो दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती के द्वारा, वो बिना उनकी इजाजत के दिया जा रहा था। और उस वक्त में जब रिया चक्रवर्ती इस बात को मान चुकी थी कि उनका इलाज भी चल रहा था, ऐसे हालत में ड्रग्स देना उनके लिए जहर के बराबर था, आग में पेट्रोल के बराबर था। और ऐसे में उन्होंने जो ड्रग्स दिए सुशांत सिंह राजपूत को वो अपने आप में काफी अहम हो जाते हैं, काफी सीरियस हो जाते हैं। और CBI इस बात पर नजर बनाई हुई है कि जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और आगे जब कस्टडी में पूछताछ होगी तो उस वक्त पूछा जाएगा कि क्या जब आप ड्रग्स दे रही थी तो उसमें सुशांत की रजामंदी थी या नहीं थी। रजामंदी नहीं थी तो कहीं ना कहीं केस सवाल खड़ा होता है कि कहीं जानबूझकर उनकी मानसिक हालत खराब करने का ऐसा तो कोई प्लानिंग नहीं था, ऐसा कोई साजिश नहीं थी। और उसको लेकर जो जवाब होगा कहीं ना कहीं CBI के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। तो ड्रग्स का भले से मैंडेट NCB के पास में था, लेकिन कड़ियां अभी भी सुशांत की मौत से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी इस वक्त बेहद अहम हो जाती है, ना सिर्फ NCB के लिए बल्कि CBI और ED के लिए और इस मामले में सुशांत
कि परिवार वाले जो आरोप लगातार लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं आरोपों पर जांच करते हुए एनसीबी ने इस मामले में आरोपी नंबर एक रिया चक्रवर्ती और आरोपी नंबर दो शौविक चक्रवर्ती, जिसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, अब कल कोर्ट में पेशी भी की जाएगी उनकी। अंजना, बिल्कुल मौसमी, आपके पास जो जानकारी है जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। कुल मिलाकर सबसे बड़ी गिरफ्तारी, लेकिन ये याद रखना होगा ये एनसीबी ने गिरफ्तारी की है, ये ड्रग्स के मामले में गिरफ्तारी हुई है लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद। मौसमी जी, बिल्कुल देखिए।